आज गुवाहाटी के कला क्षेत्र में असंगठित श्रमिकों के लिए जागरूकता सभा और पंजीयन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रम मंत्रालय द्वारा देश के सभी असंगठित श्रमिकों के लिए बनाए गए ई श्रम पोर्टल तैयार किया गया है। www.ashram.gov.in वेबसाइट में पंजीयन के बाद श्रमिकों को एक कार्ड दिया जाएगा। असम के 1 करोड़ लोगों को ई श्रम कार्ड दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में असम के श्रम मंत्री संजय किसान और श्रम विभाग के आयुक्त मौजूद थे। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के असंगठित श्रमिकों का व्यापक डेटाबेस तैयार करने की दिशा में यह कदम उठाया गया। यह पहला कदम है और इसमें निर्माण, परिधान, विनिर्माण, मछली पकड़ना, फुटकर विक्रय, घरेलू काम, कृषि और संबद्ध वर्ग, परिवहन क्षेत्र आदि के असंगठित श्रमिक शामिल हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार देश में अनुमानित रूप से 38 करोड़ असंगठित श्रमिक हैं, जिन्हें इस पोर्टल पर पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। इतिमध्ये देशर प्रधानमंत्री डांगरिया और विशेष भावे असंगठित श्रमिक सकलक ई श्रम कार्डर जरिए सकलोके पंजीयन करार एक अभिलेखी आँचनि ग्रहण करिछे। आमार अखमतो प्राय 1 कोटि उसरा उसरी आमि ई श्रम पंजीयन करार সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তো গতিকে নিশ্চিতভাবে এই সফলভাবে আগুয়াই লৈ যাবৰ বাবে আমি অসম সরকার তরফৰ পৰা সম্পূর্ণভাবে আমি প্রচেষ্টা হাতত লম আৰু আশা কৰিছোঁ যাতে শ্রমিকসকলে যেহেতু নিজৰ তেজক পানী কৰি পেলাই আজি অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ অর্থনৈতিক দিশটো শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সদায় দিনে ৰাতে কাম কৰিছে।